स्टूडेंट्स, मैं सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम एमएससी फाइनल फिजिकल स्पेशल के 9th B पेपर में यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमारा रिव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे था, उसी के फ्लो में आगे हम ज़ीमैन इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसी मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्पेक्ट्रल लाइंस इफेक्टेड होती हैं और वे कई फोटॉन में स्प्लिट हो जाती हैं। क्योंकि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीमैन ने सर्च किया था, इसीलिए इसे ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है। उन्होंने देखा कि यदि लाइन स्पेक्ट्रम देने वाले किसी लाइट स्पेक्ट्रम देने वाले किसी लाइट के सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्पेक्ट्रल लाइन कई अपों में डिवाइड हो जाती है। इसका कारण यह है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एटम के एनर्जी लेवल में चेंज हो जाता है। एटम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की अवधारणा इसी इफेक्ट का रिजल्ट है। ज़ीमैन इफेक्ट नेम्ड आफ्टर द डच पीटर ज़ीमैन इज द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एनालॉगस टू द स्टार्स इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स in the presence of a electrical field also similar to the stop effect transitions between different components have in general different intensities with some being entirely forbidden as governed by the selection rule. The distance between the ज़ीमैन sublevels in a function of magnetic field strength. This fact can be used to measure magnetic field that of the sun and other stars or in laboratory plasmas. The ज़ीमैन effect is very important in applications such as nuclear magnetic resonance spectroscopy, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI एंड मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट मे आल्सो बी यूटिलाइज्ड टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द थ्योरी अबाउट द मैग्नेटिक सेंस ऑफ बर्ड्स अज्यूम्स दैट ए protein in the retina is changed due to the ज़ीमैन effect. When the spectral lines are absorbed lines, the effect is called inverse ज़ीमैन effect. Now the hypothesis of de Broglie. De Broglie hypothesis. De Broglie ने
ग्रहों के एटम संबंधी सिद्धांत, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन के लाइट की ड्यूल नेचर वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना एक नया सिद्धांत दिया। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, जिस प्रकार लाइट और अन्य विद्युत चुंबकीय रेडिएशन की नेचर ड्यूल होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोमेट्रियल कणों की नेचर भी ड्यूल होती है। वे कभी वेव तो कभी कणों की कण की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए कणीय और तरंग यानी पार्टिकल और वेव प्रॉपर्टी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समय के किसी भी बिंदु पर कोई भी पार्टिकल तथा तरंगीय गुणों को एक साथ शो नहीं किया जा सकता। कणीय गुण जैसे कि संवेग एमयू ऊर्जा टी, तरंगीय गुण यानी वेव प्रॉपर्टी तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति नी, इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तरंग और कण दोनों के मध्य के रिलेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा शो किया जाता है। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लैंक इक्वेशन E बराबर एच म्यू के अनुसार यदि किसी तरंग और रेडिएशन की एनर्जी एवं आइंस्टाइन इक्वेशन जैसे कि हम जानते हैं E बराबर एमसी स्क्वायर पर किसी पार्टिकल की एनर्जी एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है वो होती हमारी E बराबर एच म्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक और दूसरी है E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन के द्वारा हम जानते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, एच म्यू अपॉन C इज इक्वल टू एमसी और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा इज इक्वल टू हमारी वेवलेंथ है। अब हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, हो गया इसी प्रकार एच म्यू अपॉन सी हो गया हमारे पास इज इक्वल टू एम इंटू सी के। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू म्यू, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंस है, बोहर ने अपने एटम के मॉडल में जो पॉस्टुलेट्स दिए थे उनमें यह भी था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोहर थ्योरी में तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, किंतु डी ब्रोगली थ्योरी के बेसिस पर इसे इजीली समझाया जा सकता है। मैटर वेव्स आर सेंट्रल पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बीइंग एन एग्जांपल ऑफ वेव पार्टिकल जूली
wave-like behavior. For example, a beam of electron can be deflected just like a beam to light or a water wave. The concept of behave like a wave was proposed by Louis de Broglie. It is also referred to as the de Broglie hypothesis. Matter waves are referred to be as de Broglie wave. The de Broglie wavelength is wavelength lambda associated with a massive particle and is related to its quantum related to its momentum p through the Planck constant h. These are the relations between e, h mu and lambda. Now the significance of the de Broglie hypothesis. The de Broglie hypothesis showed the wave particle duality was not merely an aberrant behavior of light. Between mu, e and lambda. Lambda is equal to h upon e. Yeah, lambda is equal to h upon mu. This is the de Broglie equation.